पब्लिक टीवी आपकी आवाज। वेतन भत्ता और दूसरी मांगों को लेकर आज भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों डाक कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर मुरादाबाद की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन मुरादाबाद कमिश्नर को सौंपा गया। 18 मई से हड़ताल पर बैठे भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने अपनी मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए अभी दो दिन पहले सार्वजनिक भीख मांग कर केंद्र की भाजपा सरकार को लानत भेजी थी और आज मुख्य डाकघर परिसर में पहले तो इन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर विभिन्न स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में लेकर ये सैकड़ों कर्मचारी मुरादाबाद की सड़कों पर निकल पड़े। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि वेतन आयोग के समानांतर ही GDS कमेटी का गठन और वेतन भत्ता परिवर्तित होने चाहिए, क्योंकि उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, जिसके चलते आज वो लोग नंगे हो गए हैं और आगामी 2019 में मोदी सरकार को भी नंगा करने का काम करेंगे। हड़ताल करते हुए आज हमारा 23वां दिन है। एक हमारी कमल चंद्र की रिपोर्ट है जो भाजपा सरकार ने ही गठित की थी, भाजपा ही के ही आदमी थे और भाजपा ही उस सरकार को लागू नहीं कर रही है। सारा सब काम हो चुका है, वित्त मंत्री के साइन हो चुके हैं, फाइल पटल पे है, कैबिनेट में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं है कि वो साइन करा ले। वो तो पतंग उड़ा रहे हैं इंडोनेशिया में, उन्हें पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। GDS भाई भूखा मर रहा है, हमारा 18 दिन का वेतन काट लिया गया, हमारे कपड़े उतार दिए गए, फिर भी प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही है। ऐसे प्रधानमंत्री को जीडीएस संदेश देता है इस मंच से और आपके माध्यम से कि 2019 में जैसे उन्हें हमें नंगा कराए, हम उन्हें नंगा कर देंगे। 23 दिन हो गए, 23वां दिन है ये। जब भी हड़ताल होती है सरकार के माध्यम से, जब वार्ता समाप्त होती है, जब हड़ताल समाप्त होती है उसके बाद ये तय होता है सरकार के साथ कि वेतन काटा जाए या नहीं काटा जाए, उसके बाद वेतन काटा जाता है। लेकिन अधिकारियों ने बगैर आदेश के ही वेतन काट लिया है और बगैर आदेश के ही वेतन काट के किसी कर्मचारी को 200 रुपए मिले, किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 2000। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।